नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में आज हम इस वीडियो में आंगनबाड़ी का जो यहाँ पर पद आप लोगों का आने वाला है आंगनबाड़ी कार्यकत्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आंगनबाड़ी सहायिका का तो इसके लिए जो है पात्रता में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था डिटेल्स एकदम बताया था कि इसकी पात्रता में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट वगैरह है उसमें भी चेंज हुआ है और यहाँ पर जो इसकी फिकेशन है उसमें भी चेंज हुआ है तो वो मैंने वीडियो में बताया था और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और आप जो है उसकी पात्रता जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा यहाँ पर अभी जो है दो में चुनाव लगा हुआ है और इससे पहले आपकी एक बड़ी भर्ती आंगनबाड़ी की जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर पचास प्लस पद यहाँ पर रहने वाले हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी में जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है भर्ती जो है जल्द ही यहाँ पर शुरू होगी और प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार के तहत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े अलग अलग, अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू करेगी और मिशन रोजगार ट्विटर हैंडल के मुताबिक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में तिरपन जो पद हैं वो भी यहाँ पर खाली चल रहे हैं जिन पर जो है भर्ती आनी है और इसके लिए जो अधिसूचना जो है वो जल्द ही जारी की जा सकती है दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को सभी अपडेट्स मिलते तो हैं दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी और यहाँ पर जो सहायिका के जो पद हैं तो उनके जो रिक्त पद हैं उन पर जो है तैयारी कर रही है भर्ती के और यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सकेगा ऐसा यहाँ पर जानकारी दिया गया है राज्य सरकार की बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्र जो है वो यहाँ पर होती है ऐसा यहाँ पर बताया गया और राज्य सरकार

एज पैंतीस साल अगर किसी की हो गई है तो वो यहाँ पर जो है आवेदन नहीं कर सकता है मतलब आपकी कुल मिला के एज अट्ठारह से पैंतीस के बीच में होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं हालांकि कुछ लोग के मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पर जो है इस बार कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर माना मान लो इसमें ट्वेल्थ मांगा गया है और ट्वेल्थ से ऊपर जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह किए होंगे क्या उन्हें चांस नहीं मिलेगा हालांकि अभी जो है नया नियम लागू होने वाला है आउटसोर्सिंग भर्ती जो भी है वहाँ पर जो है जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी मेरी की अगर उसके ऊपर अगर कोई किसी क्वालिफिकेशन है तो उसे यहाँ पर भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली है तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं हालांकि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो मान के चलिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर अठारह से पैंतीस के बीच में अगर एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो पहले एज लिमिट थी आपकी तो वो यहाँ पर इक्कीस से पैंतालीस के बीच में एज लिमिट थी लेकिन इस बार जो एज लिमिट रखी गई है वो अठारह से पैंतालीस अठारह पैंतीस तक की एज लिमिट रखी गई है मतलब अठारह से पैंतीस के बीच में आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और पिछली बार यहाँ पर सहायिका और इनके लिए अलग अलग यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रखी जाती थी पहले दसवीं पास यहाँ पर योग्यता रखते थे लेकिन इस बार जो है बारहवीं पास योग्यता रखी है चाहे कोई भी पद हो किसी भी पद के लिए आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके पास मिनिमम जो है ट्वेल्थ आप पास होने होंगे और पिछली वाली जो भर्ती थी 2021 में आई थी वो ईडब्ल्यू का जो यहाँ पर रिजर्वेशन है तो इस वजह से यहाँ पर अटक गई थी और और वहाँ पर आवेदन भी अच्छे खासे हुए थे लेकिन उसकी कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और बताया गया जब आपकी यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी हुई तो वहाँ पर बताया गया कि जो पिछली भर्ती जो भी हुई है जहाँ पर आवेदन हुए हैं वो उन्हें जो है रद्द किया गया है अब चलिए हम आप लोगों को आपका जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई थी शासनादेश जारी किया गया था वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं तो दोस्तों ये नवीनतम शासनादेश है ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं अट्ठारह से पैंतीस एज लिमिट है ऐसा यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया गया कि ट्वेल्थ पास यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए ये यह भी यहाँ पर पूरा जानकारी दिया था मैंने एक वीडियो में बताया भी था आप लोगों को पूरा ये डिस्कस किया था पूरा शासनादेश आप लोगों को दिखाया था और यहाँ पर एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया था तो अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वो लोग आप देख सकते हैं एक प्ले भी पड़ी हुई है आंगनबाड़ी की तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं हम तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आपकी यहाँ पर जो मेरिट बनेगी जो भी आपके टेंथ और ट्वेल्थ के नंबर होंगे उनका जो परसेंटेज होगा परसेंटेज को जोड़ के वहाँ पर दस से डिवाइड किया जाएगा और फिर आपके यहाँ पर जो है मेरिट तैयार होगी इस तरीके से आपकी मेरिट तैयार होगी तो आई होप आप लोगों को वीडियो पंद होगा और आप, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा मलतने नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाए